जीवन परिचय श्री गगन चंद्र चटर्जी। वायलिन पर गतकारी अंक का श्री गणेश इलाहाबाद के स्वर्गीय श्री गगन चंद्र चटर्जी ने, जो गगन बाबू के नाम से विख्यात थे। इनमें पूर्व इस वाद्य को केवल गायकी अंक के उपयुक्त समझा जाता था, किंतु गगन बाबू ने ये सिद्ध कर दिखाया कि गतकारी गायकी शैली से कहीं पूर्ण और कर्णप्रिय है। श्री गगन बाबू जी का जन्म सन 1890 में इलाहाबाद में हुआ। सौभाग्य से आप उस्ताद करामत उल्ला खां के संपर्क में आए। पहले आपने करामत खां से सरोद सीखा, कुछ दिनों के बाद वायलिन बजाने लगे। वाद्य की विशेषताओं का ध्यान रखते हुए आपने वायलिन के उपयुक्त गतकारी शैली का आविष्कार किया, जिसे जनता और कलाकार दोनों ने बड़ा पसंद किया। कुछ लकीर के फकीर कलाकारों ने वायलिन पर गतकारी अंक का स्वागत नहीं किया। अधिकांश ने इसे संगीत के इतिहास में बहुत बड़ी घटना मानी। आलाप जोड़ के साथ राग का विस्तृत स्वर विस्तार, छंद अंग के तोड़े, विभिन्न प्रकार की तिहाया और झाले आपकी शैलीगत विशेषताएं थी। आप अधिक पढ़े लिखे तो नहीं थे, किंतु काम चलाओ हिंदी, अंग्रेजी और बंगला लिख पढ़ लेते थे। संगीत के अतिरिक्त आपको मछली पकड़ने और पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। आपने भारत का दौरा किया और जहां भी गए अपने वायलिन वादन से श्रोताओं को मुग्ध किया। आपके कई रिकॉर्ड भी तैयार हो चुके हैं, जो अक्सर आकाशवाणी से प्रसारित होते रहते हैं। आपके प्रमुख शिष्यों में स्वर्गीय श्रीराम श्रीवास्तव, उनके छोटे भाई स्वर्गीय जोई श्रीवास्तव, शांतिमय घोष आदि हैं। जी एन गोस्वामी और बिस्मिल्लाह खां को भी आपसे प्रेरणा मिली। योगदान। श्री गगन चंद्र चटर्जी सेनिया घराने के उत्तर भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक थे, जिन्हें उत्तर भारतीय शास्त्रीय वायलिन की गतकारी शैली का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। श्री गगन चंद्र चटर्जी जी सेनिया घराने के उस्ताद करामतुल्ला खान से सरोद पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। हालांकि उन्होंने अपने सीखे हुए संगीत को व्यक्त करने के लिए एक अलग उपकरण चुना, वह वायलिन पर सितार और सरोद की गतकारी शैलियों को सटीकता से बजा सकते थे। इन्होंने अपना शेष जीवन इसी वाद्ययंत्र के साथ बिताया। उन्होंने प्रसिद्ध हारमोनियम वादक लक्ष्मण दास मुनीम जी और प्रसिद्ध ध्रुपद गायक प्राण कृष्ण चट्टोपाध्याय से भी शिक्षा ली। श्री गगन चंद्र चटर्जी जी ने अपने समय के संगीत सम्मेलनों में बड़े पैमाने पर प्रस्तुति दी। इन्होंने पियानो के साथ कुछ शास्त्रीय ट्रैक रिकॉर्ड किए, जिसमें उन्हें जीसी चटर्जी के रूप में श्रेय दिया गया है। उनसे पहले हिंदुस्तानी शास्त्रीय वायलिन वादक मुखर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नकल करके बजाते थे। हालांकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कई तकनीकों का उपयोग करता है, जो सितार और सरोद के लिए अद्वितीय हैं। श्री गगन चंद्र चटर्जी जी उन तकनीकों को वायलिन में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का पूरा आलाप जोर झाला बजाते थे, जो उनसे पहले केवल सितार और सरोद पर ही सुना जाता था। हालांकि गगन चंद्र चटर्जी ने कई वाद्ययंत्रों के संगीतकारों को प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने कई छात्रों को पीछे नहीं छोड़ा। उनके सबसे प्रसिद्ध छात्र श्रीराम श्रीवास्तव और उनके छोटे भाई जोई श्रीवास्तव थे। आपका निधन थोड़ी सी अस्वस्थता के बाद इलाहाबाद में सन लगभग 1949-50 में हुआ। गगन चंद्र चटर्जी सेनिया घराने के उत्तर भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक थे, जिन्हें उत्तर भारतीय शास्त्रीय वायलिन की गतकारी शैली का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है।